मेरे घर पे जब खाना खाता था तो ऐसे मुंह चलता था ना, तो अपने साथ में अंदर का जो होता ना मसूड़े के चमड़ी वगैरह है ना, वो साथ में आ जाती थी, तो मुझे बड़ा पैन होता था। तो मैं इस बार जब अहमदाबाद आया तो मुझे मालूम पड़ा यहाँ पे भी डेंटल का इलाज बढ़िया होता है, तो मैंने ऊपर आके प्रदीप चंद्रायन जी है उनसे मैं मिला। सबसे पहले वो 3-4 साल पहले आए थे कि जब उनके सारे दांत घिस गए थे, मसूड़े भी इतने सूजे हुए थे कि उनसे चबाया ही नहीं जा रहा था, तब हमने देखा कि उनके सारे दांत के ऊपर कवर लगा के पूरा फुल माउथ रिहैब बोलते हैं, सारे दांतों का ऑक्लूजन लेवल अप करके उनको ट्रीटमेंट देना पड़े ऐसा है, जिसमें 3-4 सिटिंग्स लगते हैं। अंदर के जो दांत होते हैं जिसके ऊपर कवर लगाना है, उन सबको रूट केनाल या सफाई या फिलिंग करके बचाना होता है, और फिर 28 के 28 सारे दांतों के ऊपर कवर लगाया हम। और कुछ मेरे दांत भी ज्यादा तम्बाकू खाने से खराब हो रखे थे, तो मैं मेरे को पूरे दांत सही चाहिए एकदम से, तो मैंने 28 दांत के ऊपर कैप, एक आधे दांत में रूट केनाल था, और बाकी और भी कोई तकलीफ थी कहीं खड्डे वड्डे थे वो भर दिए, ऐसे करके 4-5 बार में मेरे को पूरा का पूरा सेटिस्फेक्शन कर दिया। उसके बाद मैं खाना खाने लगा, मेरे प्लास्टिक के दांत लगाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। काफी टाइम वो अच्छे से चबा पाए लेकिन रेगुलर फॉलो अप में नहीं आ पाए, तो 3-4 साल के बाद कुछ दांतों में अंदर से इन्फेक्शन हुआ, तब स्टेज ऐसा था कि उनके दांत निकालने पड़े ऐसे थे, उनकी हार्ट का प्रॉब्लम था, साथ में खून पतला होने वाली दवाइयाँ भी चल रही थी, तो भी उसके साथ हमने दांत निकाल के इन्फेक्शन सफाई करके उस जगह पे अच्छे तरीके से इम्प्लांट फिक्स किए। इम्प्लांट वो तरीका है जिससे मिसिंग दांत को हम नेचुरल दांत की तरह रिप्लेस कर सकते हैं आसपास के दांत को डिस्टर्ब किए बगैर। इस तरह से खून पतला होने वाली दवाई के साथ हमने इम्प्लांट की सर्जरी की और फिर उसके ऊपर दांत दिए। मेरा ये मैसेज है कि कभी भी फॉलो अप रेगुलर लिया करो, हर 6 महीने में डेंटिस्ट से मिला करो, ट्रीटमेंट पूरी हो गई है फिर भी मिला करो। दूसरी बात, खून पतला होने वाली दवाई या कोई भी डिसीज है उसके साथ सिम्स हॉस्पिटल में हम अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और इम्प्लांट कोई भी मिसिंग दांत को रिप्लेस करने का बेस्ट तरीका है। डेंटल डिपार्टमेंट के पूरा आभारी हूँ कि जिन्होंने मेरा ठीक से इलाज करके, जो मेरे खाने में दिक्कत आ रही थी, मेरे जो अंदर से चूतिया भरी थे वो तो सारे रुक गए, और मैं बढ़िया ढंग से खाना खा सकता हूँ और अपने आप को कम्फर्टेबल महसूस करता हूँ।